हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री सेकेंड पोएम द ट्रू ब्यूटी, जो कि थॉमस खेरियो के द्वारा कंपोज की गई है, का सेकेंड स्टेंजा लास्ट स्टेंजा लेकर आप लोग के बीच में आए हैं, जिसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट विथ रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेंजा को रीड करते हैं, स्टेंजा को समझते हैं, उसको इंग्लिश में और हिंदी में समझते हैं, देन इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन विद अस। रीड करते हैं, समझते हैं पहले। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट विथ इक्वल लव कम्बाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स आर आइज। रीड इट वंस अगेन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रीड द स्टेंजाज, यू नो मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन सीन दैट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको रियली ठीक से प्रोनाउंसिएशन नहीं निकाल पाते हैं, तो ज़रूरी है उसका पहले हम लोग हिंदी में उसको इंग्लिश में रीड करें, उसका हिंदी में अर्थ निकाल कर समझें, देन वी कैन ईजिली कॉन्टेक्स्ट इट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। तो लिसन अगेन। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थाट्स एंड कॉम डिज़ायर्स, हार्ट विद इक्वल कम्बाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, लवली चीक्स और लिप्स आर आइज। नाउ एक्सप्लेन इट इन हिंदी। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन एक कोमल और सज्जन विचारों वाला हृदय, जेंटल थाट्स, सज्जन विचार एंड कॉम डिज़ायर और शांत इच्छाएँ, हर्ट विथ इक्वल लव कम्बाइंड, ऐसा प्रेम जो समान रूप से प्रेम करता है, लव कम्बाइंड उनका प्रेम सामंजस्य, उनका प्रेम आपस में बराबर का होता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसा प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होने वाला होता है, और वेयर देयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स, गुलाबी गालों को, लिप्स, होठों को, एंड आइज, और ऐसी आँखों को। तो लिसन अगेन। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन कोमल और दृढ़ प्रतिज्ञ वाला मस्तिष्क, जेंटल थाट्स एंड कॉम डिज़ायर, सज्जन विचार और शांत इच्छाएँ, हर्ट विथ इक्वल कम्बाइंड, और ऐसा प्रेम जो समान रूप से प्रेम करता है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर, उनका प्रेम कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता है, उनका प्रेम कयामत के दिनों तक जिंदा रहता है, वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कवि कहते हैं आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, ऐसे प्यारे गालों को, होठों को और आँखों को। तो गाइज, ये हुआ हमारा, हमने जाना यहाँ पर कैसे पोएट कहते हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ द एक्चुअल ब्यूटी, नॉट फिजिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज़ द ब्यूटी विच रिमेन स्टिल्स डूम्ड विथ अ मैन। तो उसको हम लोग रेफरेंस देखते हैं, इसका रेफरेंस हम लोग लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कम्पोज बाई थॉमस क्रिव। लिसन अगेन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कम्पोज बाई थॉमस क्रिव। इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट ट्रू ब्यूटी, दैट इज स्पिरिचुअल ब्यूटी बेस्ड ऑन वर्च्यूज। कहते हैं इन दिस स्टेंजा, इस पद्य खंड में द पोएट टेल्स अस अबाउट ट्रू ब्यूटी, कवि हमें वास्तविक सुंदरता के बारे में बताते हैं, और दैट इज स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो कि आध्यात्मिक सुंदरता होती है, हृदय की सुंदरता होती है, और बेस्ड ऑन वर्च्यूज, जो उसके गुणों पर आधारित होती है। मीन्स यहाँ पर कवि हमें ऐसी सुंदरता के बारे में बात करते हैं जो कि उसकी अंतरात्मा से होती है और जो उसके गुणों की सुंदरता होती है, अर्थात वह सुंदरता जो अंतरात्मा से होती है, जो हृदय की गहराई से होती है, और जो गुणों से संबंधित सुंदरता होती है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है, और वही वास्तव में सुंदरता होती है, वही वास्तव में ट्रू ब्यूटी होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझना है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज बेस्ड ऑन वर्च्यूज, कवि कहते हैं कि स्पिरिचुअल ब्यूटी गुणों पर आधारित होती है, दिस सॉर्ट ऑफ ब्यूटी नेवर डिकेज,
यह इस प्रकार की सुंदरता कभी भी नष्ट नहीं होती है। द कोर्स ऑफ टाइम, द कोर्स ऑफ ट्रू ब्यूटी डज नॉट चेंज। समय बीतने के साथ साथ यह सुंदरता बदलती नहीं है। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ मीन्स द कोर्स ऑफ ट्रू ब्यूटी डज नॉट चेंज विद द पासिंग ऑफ पासेज ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ साथ भी यह सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है। अ मैन विथ वर्च्यू ऑफ हेड एंड हार्ट, ए वूमेन विच वर्च्यूज ऑफ हेड एंड हार्ट विथ ऑलवेज रिमेन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वह महिला जो मस्तिष्क और हृदय के गुणों से पूर्ण होती है, विल ऑलवेज रिमेन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वह हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। अर्थात जो महिला, जो स्त्री मस्तिष्क की विचारों से और हृदय की विचारों से प्योर होती है, उसके गुण श्रेष्ठ होते हैं, वह हमेशा लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है। अ वुमेन विथआउट वर्च्यूज इज नथिंग बट अ शो पीस। वह महिला जिसके अंदर हृदय की गहराई शुद्ध नहीं होती है, जिसके गुणों में सच्चाई नहीं होती है, वह कुछ नहीं, केवल एक शो पीस होती है, केवल एक नुमाइश होती है। शी कैन नॉट अट्रैक्ट हर लवर फॉर एवर। वह हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। और द पोएट हेट्स द वुमेन विथ फिजिकल ब्यूटी विथआउट वर्च्यूज। और कवि ऐसे गुणों से घृणा करते हैं जिनका फिजिकल ब्यूटी होती है, अर्थात ऐसी फिजिकल ब्यूटी वाली स्त्रियों से कवि घृणा करते हैं। एंड ही ऑलवेज एडमायर अ स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो स्टूडेंट, दिस इज द टाइप ऑफ ब्यूटी विच ऑलवेज रिमेन विथ अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।